नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एस टी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बारे में बात करने वाले, जो बिहार में के 10,101 पोस्ट पर बहाली निकल के आई थी, जिसमें पद है अमीन, कानून, लिपिक और एसओ का। तो दोस्तों अभी अभी ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और जो ऑफिशियल नोटिस विभाग जारी किया है डाउनलोड करके बताते हैं कि किसके रिगार्डिंग यह नोटिस आई है। बिहार एलआरसी के फाइनल मेरिट लिस्ट विभाग कब जारी कर रहा है, तो सबसे पहले विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और जो नोटिस आई है नोटिस डाउनलोड करके बता रहे हैं। तो यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बिहार एलआरसी के फाइनल मेरिट लिस्ट आने का इंतजार कर रहे हैं, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सारी जानकारी युवन भवन करके इस वीडियो में बता रहे हैं जो विभाग की तरफ से निकल के आई है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए विभाग नोटिस जारी किया है, चलिए नोटिस पढ़ के सुना रहे हैं, जो कि देख लीजिए आपके सामने में नोटिस है, यह पढ़ सकते हैं और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी हम नोटिस दे दिए, जहाँ से अभी यह नोटिस आपको आप देख सकते हैं। अच्छा से सारा चीज़ में लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानून को विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में पाए गए विसंगतियों, पेंडिंग किए गए मामले एवं अन्य संबंधित बिंदुओं के निराकरण हेतु दिनांक 6/2/2024 को अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में विभिन्न पदों के लिए अभिलेखों की हुई जाँच उपरांत अंतिम निर्णय, पेंडिंग मामलों के अंतिम निराकरण एवं निर्णय हेतु सभी टीमों को निम्न निर्णय संसूचित किया जाता है। तो देखिए क्या क्या दिया गया है, पहले हम आपको बताते हैं, आप लोग इतना ने परेशान हो जाते हैं, हम आपको बोले थे जो पेंडिंग है वो भी सुधार करने का मौका देगा, हर चीज़ आप लोग को हैरान नहीं होना है। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं विशेष सर्वेक्षण कानूनों के पद पर नियुक्ति हेतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों से पुनः वांछित दस्तावेजों को गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन आमंत्रित की जा रही है। देखिए यहाँ पर गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको अभी अब आयोग नहीं जाना पड़ेगा, जिसकी अवधि की अंतिम तिथि 20/2/2024 होगी। देख लीजिए इन आवेदनों के प्राप्त हो जाने के उपरांत इनके अभिलेखों पर जांचों उपरांत अंतिम निर्णय ली जाएगी। आवेदन प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह की अवधि निर्धारित की जाएगी, एक सप्ताह आपको जो है समय दिया जाएगा, जिसमें अपना आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, सभी अपलोड कर सकते हैं जो जो मांगेगा। आगे देख लीजिए यहाँ पर तत्वोपरांत जांच के क्रम में यदि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद हेतु वैसे अभ्यर्थी जिनका बीई, ठीक है, उसके बाद देखिए बीटेक की डिग्री तथा विशेष सर्वेक्षण कानूनों को पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिनका डिप्लोमा की डिग्री का सत्यापन की आवश्यकता महसूस की जाती है, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों का परिषद द्वारा नियुक्ति हेतु इस शर्त के साथ देख लीजिए यहाँ पर रिकमेंड की जाएगी, अभ्यर्थियों की डिग्री का सत्यापन विभाग द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से करा ली जाए। अतः टीम यदि ऐसा पाती है तो रिमार्क कॉलम में अपना मंतव्य अंकित करेगी, तो जो गूगल फॉर्म देगा तो उसमें आपको रिमार्क का एक जो है ऑप्शन देगा, हर चीज़ देगा, इसलिए हैरान नहीं होना। तीसरा देखिए विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी के पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिनका बीई, बीटेक की डिग्री, देखिए एएमआईई, ध्यान सुन लीजिए, द्वारा वर्ष 2013 तक निर्गत है वैसे अभ्यर्थी ही इस पद के लिए पात्रता प्राप्त होंगे। वर्ष 2013 के बाद एएमआईई द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, अर्थात अभ्यर्थी पात्रता प्राप्त नहीं होंगे। चौथा देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में कुछ अभ्यर्थियों के आवेदन में पाए गए गलत जेंडर को उस अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए कागजात के आधार पर सुधार कर ली जाए, तो उस पर आपको सुधार हो जाएगा। पांचवा देखिए वैसे अभ्यर्थी को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ओबीसी सर्टिफिकेट भारत सरकार, चलिए आगे देख लीजिए, भारत सरकार के लिए निर्गत एनसीएल जमा किया है और जो बिहार राज्य में नियुक्ति हेतु आरक्षण के लिए मान्य नहीं है, वैसे सभी अभ्यर्थियों को एक सप्ताह का समय देते हैं उनसे कास्ट सर्टिफिकेट बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ निर्गत एनसीएल सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाएगा। जो भारत सरकार वाला है वो नहीं आपको काम करेगा, क्योंकि बिहार सरकार का आपको निर्गत जो है एनसीएल होना चाहिए, तभी जाकर आप वह काम होगा। छठा देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में कुछ दिव्यांग अभ्यर्थी का दिव्यांगता प्रमाण पत्र
परिषद द्वारा गठित मेडिकल टीम द्वारा गलत पाया गया है, अतः ऐसे अभ्यर्थियों को दिव्यांग कोटा का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो गलत पाया गया है हर चीज, तो वह आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। सातवां देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में कुछ अभ्यर्थी जिनका प्रमाण पत्र राज्य के SBTE द्वारा निर्गत है, परंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम द्वारा AICTE से प्राप्त मान्यता प्राप्त का प्रमाण पत्र नहीं देने के कारण पेंडिंग किया है, क्योंकि SBTE AICTE से माध्यम, देख लीजिए यहाँ पर AICTE से प्राप्त मान्यता प्राप्त ही होता है, अतः ऐसे मामलों का पेंडिंग हटाते हुए उसे क्लियर किया जाएगा। देखिए, जो इसके लिए जो आपको पेंडिंग दिया गया था वो आपको ऑटोमेटिक क्लियर कर देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विभाग का ही गलती है हर चीज़। विभाग स्पष्ट रूप से बोल दिया है, हटाते हुए क्लियर किया जाएगा। उसके बाद आपको दिया है, देख लीजिए, उसके बाद गेस्ट लेक्चर, गेस्ट आपको इंस्ट्रक्टर के रूप में देख लीजिए आपको यहाँ पर दे रहा है गेस्ट। आठवां देखिए, गेस्ट लेक्चर या गेस्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थी यदि रेगुलर बेसिस के रूप में कार्यरत है अथवा है, तो उनका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। उसके बाद नौ नंबर देखिए, AICTE द्वारा अप्रूवल डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अन्य, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए क्रॉस पेंडिंग कोर्स के प्रमाण पत्र मान्य होंगे। AICTE ठीक है, अप्रूवल प्रोसेस हार्ड बुक का संबंधित यहाँ पर दिया गया है, जो टीम जो है किया गया था, तो टीम जो है वहाँ पर गलत किया, तो इसका मान आपको देगा। दस नंबर में कह रहा है, विशेष सर्वेक्षण अमीन तथा विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पद पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित वैसे सभी अभ्यर्थी जिन्हें पेंडिंग में रखा गया है, उनके उपरोक्त मानक एवं पूर्व में निर्गत निर्णय के आलोक में जाँच कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पूर्व में निर्गत निर्णय सहज संदर्भ हेतु संलग्न है। उसके बाद 11 नंबर दिया हुआ है, इस सभी देख लीजिए यहाँ पर जो ऊपर बताएं सभी को देखते हुए इस बीच विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त प्राधिकारी तथा विशेष सर्वेक्षण कानूनों के मामले में आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर ली जाएगी और उनकी जांच भी विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त प्राधिकारी तथा विशेष सर्वेक्षण कानूनों के पद पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों से गूगल फॉर्म द्वारा आवेदन आमंत्रित कर प्राप्त वांछित दस्तावेजों के आलोक में उक्त गठित टीम प्राप्त अभिलेखों की जांच कर अंतिम निर्णय अंकित करेगी। तो जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ से ये लेटर जारी हुआ, हर चीज़ हुआ, देख लीजिए दिया हुआ। हम पहले भी बताए थे, इससे पहले हम आपको वीडियो बनाए थे, तो हम बोले जिसका भी पेंडिंग है उसका सलूशन होने के बाद ही आपको रिजल्ट होगा। पहले बोले थे 15 के बाद कभी भी आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो अब 20 तक पहले आप जो है गूगल फॉर्म के माध्यम से डॉक्यूमेंट आपको दिया जाएगा, उसके बाद फिर से एक सप्ताह जो है उसको चेक करने में लगेगा, उसके बाद ही अब आपका रिजल्ट मार्च से पहले आने वाला नहीं है, ठीक है। आज से 4 से 5 दिन पहले या एक सप्ताह पहले वीडियो बनाए थे, उसमें बताए थे, तो देख लीजिए। तो अभी मार्च से पहले आपको यह देखने को नहीं मिलेगा रिजल्ट, तो ये सब दिया है, गूगल फॉर्म आपको कल तक अपडेट कर देगा, तो उस पर आपको जो जो मांगा है डॉक्यूमेंट आप दीजिए, उसके बाद अपलोड कीजिए, विभाग फिर समीक्षा करेगा, उसके बाद एक सप्ताह फिर समय लगेगा, क्योंकि 20 तक तो आपको डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना है, उसके बाद फिर एक सप्ताह जो है विभाग समीक्षा करने के उपरांत उसके बाद ही आपको रिजल्ट, मतलब मार्च में यह रिजल्ट आएगी। तो यही जानकारी देने वाले थे, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को जाए अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जैसे ही विभाग की तरफ से जो भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।